यूपीएससी परीक्षा जो कि सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, इस परीक्षा में हर वर्ष कई एस्पिरेंट भाग लेते हैं। बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन मेंस एग्जाम में होता है और बहुत कम लोग ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। तो वहीं इस परीक्षा को पास करने के लिए एस्पिरेंट एरीचोटी का जोड़ लगा देते हैं। काफी पढ़ाई और काफी सारे नॉलेज गेन करने के बाद उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मौका मिलता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि बागडोगरा का एक एस्पिरेंट जिनका नाम गौतम ठाकुरी है, उन्होंने इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया और 391 रैंक लाकर सफल हुए। उनकी सफलता के बाद केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बागडोगरा गर्व महसूस कर रहा है। रिजल्ट की घोषणा के बाद जब वह आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें सफलता के लिए उनका स्वागत करने के लिए उनके परिवार, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर खादा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। गौतम ठाकुरी से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार, फ्रेंड्स सभी का हाथ है। उन्हीं के सहयोग से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। आगे वो क्या कुछ कहते हैं आइए वो हम सुनते हैं। अच्छी भनौँ त मलाई पुरा बहुत बेसी खुसी हुँदैछ कि म भन्नु सकेको छुइनँ कस्तो खुसी हुँदैछ, किनकि मैले यति एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि यस्तो माहौल हुन्छ रिजल्टको बाद। बस मेहनत गरेको थिएँ कि यो एक्जामको लागि, बट कहिले सोचेको थिएन कि रिजल्ट आएपछि के हुन्छ। बट आज म हेर्दैछु सबैजनाको आँखामा यति खुसी छ, मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू सबै प्राउड हुनुहुन्छ मेरो माथि। अरू मलाई लाग्दैछ कि मैले पनि आफ्नो कम्युनिटीलाई केही ब्याक गर्न सक्छु, अरू म ट्राई गर्छु कि म आफ्नो कम्युनिटीलाई पनि केही राम्ररी गिभ ब्याक गर्न सकौँ। अरू अरू पनि अगर कोही हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीको युथहरूलाई पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु, अरू केही पनि मेरो तर्फबाट हेल्प भयो भने म स्योर त्यो गर्न चाहन्छु। अब फ्युचरमा के कुनै इन्भिटेसन्सहरू फ्रम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन या लोकल एडमिनिस्ट्रेसनबाट कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रोग्रामहरू प्रोसिड्युसहरू अहिले त्यस्तो भएको छ? यस सर, मैले सुने के प्रोग्रामहरू छ, बट टुमोरो वी आर प्रोसिडिङ टु वी हेभ बिन इन्भाइटेड बाई द प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिए इन दार्जिलिङ, वी विल हेडिङ देयर टुमोरो। So how proud you feel when like district administration as well as the GTA chief calls you, invites you personally? साँच्ची भनौँ त सर, जब म प्रिपेयर गर्थेँ त मैले बस वर्ड्सहरू सुन्थेँ, डिएम, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, एसपी, यिनीहरू गाडी हेर्थेँ त हमेसा लाग्थ्यो कि अहिले हामी पनि यो दिन। र आज उनीहरूले बोलाउँदाखेरि मलाई पर्सनली कल पनि आएको थियो, हाम्रो फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह सरले पनि मलाई कल गर्नुभएको थियो, आज बात भयो उनीहरूसँग। त पुरा प्राउड फिल हुन्छ, अरू यस्तो लाग्छ कि म बताउन सकेको छैन आफ्नो वर्ड्समा कि कस्तो फिल हुँदैछ। एक्चुली बहुत खुसी छ। हजुर पनि सेयर गरिदिनुहोस् आमा भएर कति गर्व फिल भइरहेको छ? मलाई पनि धेरै धेरै भइरहेछ हो। आज यो उसमा हुँदाखेरि मलाई एकदम प्राउड फिल भइरहेछ। मेरो छोरा यहाँ पुग्नु धेरै उयो हो होइन, अनि उसले आज यति हार्डवर्क गरेकोले गर्दा आज यहाँ पुगेछ। एउटा सपना थियो कि म पनि छोरालाई यस्तो देखौँ भनेर, त्यो सपना चाहिँ आज पुरा भयो। अब बुवाको कमी पनि थियो होइन, तर आमा भएर चाहिँ तपाईँले सबै कुरा गर्नुभयो, आमा र बुवाको दुवैको भूमिका पुरा गरेर यो काम हासिल गर्नुभयो होइन। हजुर, अब के कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ छोरालाई? अब यसमा त म अहिले केही छैन र मेरो एउटा बालकालमा कस्तो थियो, के इन्ट्रेस्ट थियो र कसरी चाहिँ तपाईँले उसलाई मोटिभेट गरेर यो समय पुऱ्याउने चाहिँ कसरी चाहिँ? हजुर, उसको चाहिँ सानैदेखिको अलिक उयो थियो होइन, पढाइमा पनि राम्रै थियो, त्यस्तो उयो थिएन होइन, अनि हर उसमा ऊ अब राम्रै गर्यो, हर मतलब यस्तो एक्जामहरू पनि फेस गर्यो धेरै चिजमा, अनि उसले आफ्नोलाई चाहिँ पुरा प्रिपेयर गरेकै थियो। हजुर,